अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पीटी सेल राउटर पे। दोस्तों आज हम इसका वाईफाई पासवर्ड चेंज करना सीखेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं। हमारी जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, ये हमारा आईपी एड्रेस है, हम इसको एंटर करते हैं। जी, लॉगिन पेज आ गया डिवाइस का। दोस्तों देखें, यूज़र नेम जो इसका होता है वो डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, और पासवर्ड जो होता है डिफ़ॉल्ट वो भी एडमिन होता है। तो इसको हम टाइप कर लेते हैं एडमिन, और नीचे भी हम एडमिन टाइप कर लेते हैं। इसको करते हैं लॉगिन। जी, हमारी डिवाइस ओपन हो गई है। तो दोस्तों हम एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस के बाद हम वायरलेस पे आते हैं। वायरलेस के बाद दोस्तों हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी डिवाइस पे कितने मोबाइल चल रहे हैं इस टाइम, कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो दोस्तों हम क्लिक करते हैं स्टेशन इन्फो पे। देखें दोस्तों अभी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो हम पहले डिवाइस कनेक्ट करते हैं इस पे। तो मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं है, इसकी सिक्योरिटी याद नहीं है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं सिक्योरिटी क्या है इसकी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आ गया दोस्तों, इसका ये पासवर्ड है। दोस्तों इसको क्लिक करने के बाद मैं अब मोबाइल पे जाता हूँ, मोबाइल पे ये सिक्योरिटी लगाता हूँ। सिक्योरिटी लगाने के बाद दोस्तों ये देखें, मेरी एक डिवाइस कनेक्टेड हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया। तो अब हम जाते हैं वायरलेस पे। अब हम पासवर्ड इसका चेंज करेंगे। वायरलेस के बाद हम आएंगे सिक्योरिटी पे। नीचे सिक्योरिटी पे आके दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके वही पासवर्ड चेक कर लिया, वही पासवर्ड लगा हुआ है अभी। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको रिमूव करके हम नया लगाएंगे यहाँ पे। ये जी हमारा पासवर्ड लग गया है 1122334। तो इसको अप्लाई सेव करवा देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम दोबारा चेक करते हैं स्टेशन इन्फो। दोस्तों यहाँ पे देखें डिवाइस डिसकनेक्ट हो गई है। तो दोस्तों ऐसे इसका पासवर्ड चेंज होता है पीटी सेल राउटर का। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लिमिट पे। तो दोस्तों हम अगर बाहर वाले किसी को पासवर्ड लगा के देते हैं, तो वो हमारा 10 MB का पैकेज होता है, 10 MB पूरी की पूरी स्पीड उनके पास चली जाती है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी सेटिंग करेंगे कि हम उसको 1 या 2 MB स्पीड लगा देंगे लिमिट, तो 1 से या 2 MB से ज़्यादा स्पीड उनके पास नहीं जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी। तो दोस्तों हमारा ये नया चैनल है यूट्यूब आतिफ जोया के नाम से, तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।